ये बात आपकी सच है कि मैंने जैसे ही ज्वाइन किया और ये नया विवाद शुरू हो गया है, बट जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी जब लड़ाई चल रही थी रशिया और अपने यूक्रेन की, उन्होंने उस समय रेजिलेंस दिखाया और बहुत हमारे देश को बचा के रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। आज हमारी इकोनॉमी सबसे अच्छी है पूरे वर्ल्ड, सारी दुनिया की निगाहें हमारे इंडिया में हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार भी देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है अपनी गवर्नमेंट पे कि वो इसमें काम करेंगे अच्छी तरह और हमारी इकोनॉमी को बचा के रखेंगे। देखिए थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आएगा, बट हम समझते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस इम्पैक्ट को बचा लेंगे। देखिए हम लोग वॉइस ऑफ द इंडस्ट्री हैं और आपने जैसे देखा पीएचडी सीसीआई बहुत इफेक्टिव है एमएसएमईज में, ऑलरेडी हम लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं उनको पूरा सपोर्ट करें एमएसएमईज को आगे बढ़ने में और ग्लोबली उनको हम चाहते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, जो कि आज एमएसएमईज छोटे हैं, तो हम लोग उनको पूरा सपोर्ट देंगे, उनकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको हम गवर्नमेंट पे लेके जाएंगे, उनकी पॉलिसीज ठीक कराएंगे, उनको हम अच्छे रेट पे ब्याज पे उनको उधार दिलाएंगे ताकि वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और भी जो भी पूरी हेल्प है उसको हम गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे उनके लिए। ये हम लोग का काम ही यही है चेंबर का। अभी तो देखिए बहुत चैलेंजेस हैं जो कि जो अपनी छोटी एमएसएमई फेस करती है इंडिया में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, उनको डिजिटलाइजेशन के बारे में नहीं पता है, उनको 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 पैसा नहीं उधार मिलता है, तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर एमएसएमई। उनको स्किल डेवलपमेंट में उनको हम चाहते हैं उनको हेल्प करें, वो भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज बहुत चीजें हैं जो एमएसएमई आज चैलेंजेस फेस करती है इंडिया में, तो हम लोग उनको पूरा सहयोग देंगे ठीक करने में। देखिए आज जो करंट में जो रिफॉर्म्स हैं हम लोग के बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो ही इज एक्चुअली रिफॉर्म्स में ही इज डन सो वेल कि मतलब अपने देश आज इतना आगे जा रहा है, हम लोग इकोनॉमी में सबसे आगे हैं, आज हमारा पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है, आज इंडिया एक हब बन गया है मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वेस्ट, आज सब लोग इंडिया में आके चाहते हैं अपने यूनिट्स लगाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं इंडिया में, क्योंकि उनको जो यहाँ पे सहूलियतें मिलती हैं वो बाहर कहीं भी नहीं है, तो चाइना के बाद आज इंडिया पे ही निगाह है पूरे वर्ल्ड की, तो मोदी जी ने जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा काम किया है इस देश के लिए, हम आज बहुत भाग्यवान है कि हमारे जैसे कंट्री में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए जैसे मैंने कि आपको अभी बताया कि हमारा मेन फोकस ही है एमएसएमईज को सहूलियत देना और उनको एक गवर्नमेंट तक पहुंचाना उनकी प्रॉब्लम्स को, हम उनको टेक्नोलॉजी में बहुत इनेबल करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाएं, उनकी सप्लाई चेन ठीक करेंगे, आज बहुत प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में सप्लाई चेन के लिए, और हमने देखिए एक ऑलरेडी पीएचडी सीसीआई में एमएसएमई का फैसिलिटेशन सेल बनाया हुआ है, और भी हम लोग एक आईपीएफसी प्रोवाइडिंग हैंड होल्डिंग सर्विसेज करते हैं जो अपलिफ्टमेंट और इंडियन एमएसएमईज में हेल्प करता है, हम लोग और भी एमएसएमईज में काफी काम कर रहे हैं पीएचडी सीसीआई ताकि एमएसएमईज को हम आगे लेके जाएं। वी आर द वॉइस ऑफ द इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो हम चाहते हैं एमएसएमईज को हम पूरा सपोर्ट दें। पीएचडी देखिए सारे अपने व्यापारियों को साथ में लेके चलता है कि भाई इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, तो पूरा सहयोग देते हैं हम लोग कि भाई आज अगर अपना व्यापार अच्छा चलेगा तो मोदी जी का जो विजन है 2047 का पूरा हो जाएगा, उसमें हम लोग पूरा सहयोग देते हैं अपने इंडस्ट्रीज को कि उनको जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो हम पे आए, हम उनको प्रॉब्लम्स का उसका सही सोल्यूशन दें और अपने देश को आगे लेके जाएं।